बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा जिसने हेमा मालिनी की ही तरह कदम उठाया और एक शख्स के साथ दूसरी बीवी के तौर पर शादियां की, लेकिन वो शादी उनकी सफल ना हो सकी। किस्मत ने साथ छोड़ दिया। पर्दे पर उन्होंने कई दफा अपना घर बसाया, सम्मान भी हासिल किया, लेकिन हकीकत में उन्होंने अपना यह सपना पूरा तो किया लेकिन उम्मीदों पर पानी फिर गया। मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर जिसने अपने जीवन साथी को चुना, उसी जीवन साथी से उन्हें उनका हक नहीं मिला। हम बात कर रहे हैं यहाँ जया प्रदा की। उन्होंने एक्टिंग की दुनिया से लेकर राजनीति के मैदान में अपना परचम लहराया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हेमा की तरह इस तरीके का कदम उठाने वाली जया प्रदा इस बात को भुला नहीं पाती। दरअसल जया प्रदा ने साल 1986 में 22 जून के दिन प्रोड्यूसर श्रीकांत नहाटे के साथ शादी करी, लेकिन शादी के बाद जया प्रदा के सपने चूर चूर हो गए। जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी था। उनके साथ कृष्णा राव उनके पिता तेलुगु सिनेमा के जाने माने फाइनेंसर थे। जया ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ कई एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। वे अच्छी भी थी, खासकर डांस में। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने डांस परफॉर्मेंस अपनी स्कूल में दी थी, जिसे देख करके एक डायरेक्टर ने उन्हें एक फिल्म ऑफर कर दी। जया ने पहली बार तेलुगु फिल्म भूमि कोशम में काम किया और उस समय 10 रुपये उन्हें मिले। तमिल और तेलुगु सिनेमा में अपना दमखम दिखाने के बाद जया प्रदा ने हिंदी इंडस्ट्री की ओर कदम रखा और वहां पर भी अपना परचम लहरा दिया। साल 1985 में बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड अभिनेत्रियों में जया शुमार हो गई। इस दौरान वे फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नहाटे के साथ प्यार कर बैठी। हुआ यूं कि हाईएस्ट पेड अभिनेत्रियों में शुमार होने के बाद उनके घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। इसका असर उनके फिल्मी करियर पर भी पड़ा, तो श्रीकांत नहाटे ने उनका साथ दिया। दोनों में नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि जया प्रदा ने समाज की परवाह किए बिना पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता श्रीकांत नहाटे के साथ शादी कर ली, उन्हें हमसफर बना लिया। जया प्रदा ने इश्क के हाथों मजबूर होकर ये कदम तो उठा लिया, लेकिन समाज ने उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि शादी होने के बाद उनके पति श्रीकांत ने उन्हें दूसरी औरत का तमगा दिया। दरअसल श्रीकांत ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था। इसका असर जया प्रदा की फिल्मी करियर पर पड़ा और फिल्मों में काम मिलना उन्हें बंद हो गया। जया प्रदा की जिंदगी की सबसे अधूरी चीज रह गई कि ताऊ में वो मां नहीं बन पाई। ऐसे में उन्होंने अपनी बहन के बेटे को गोद लेकर मां बनने की अपनी ख्वाहिश पूरी की।